को मेरा नाम मनीष कुमार वाल्मीकि है। मैं वार्ड नंबर 2 वाल्मीकि बस्ती बावड़ तहसील का रहने वाला हूं। मैं वार्ड नंबर 2 से पार्षद पद के लिए उम्मीदवार के लिए चुनाव लड़ रहा हूं। प्यारी सर, बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से, आपके सहयोग से, मातृशक्ति के सहयोग से, बावड़ क्षेत्रवासियों के सहयोग से, सभी के आशीर्वाद से, छोटे बड़ों के प्यार से बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और मैं आशा करता हूं कि आगे भी मेरे को ऐसे ही मिलता रहेगा। और हमेशा से ही समाज वाल्मीकि बस्ती वार्ड नंबर 2, चाहे वो कोई भी समाज हो, जाट समाज हो, सैनी समाज हो, खटीक समाज हो, किसी भी बिरादरी से हो, किसी भी कम्युनिटी से हो, वो हमेशा उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद मुझ पर बना रहा है। तो इसके लिए मैं उनका भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। सर, वार्ड नंबर 2 जो हमारी वाल्मीकि बस्ती है, ये करीबन सन 2000 के आसपास, जैसा मेरे बुजुर्ग मुझे बताते हैं, जैसा मुझे पता लगा है जिनसे भी पहले से, कि हमारी वाल्मीकि बस्ती वार्ड में नहीं आती थी। सन 2000 के आसपास या उससे पहले ये वार्ड नंबर 2 में इनको मिलाया गया है। वार्ड नंबर 2 में आने के बाद नगर पालिका के अंतर्गत जब हमारी वाल्मीकि बस्ती आई है, तो इसमें हर वो समुचित विकास भी हुए हैं जो एक वार्ड वासियों के लिए होने चाहिए। लेकिन फिलहाल अभी जो कार्य रुके हुए हैं, जो मेरी प्राथमिकताएं रहेंगी, वो हैं सर्वप्रथम सर, वाल्मीकि बस्ती में एक अलग से बिजली की जो टंकी होती है अपनी, वो हमारे गवर्नमेंट स्कूल है जो कोने पे ही है, बिल्कुल फार्म वाला जो रोड है, एक रोड हमारा मेन है और एक हमारी वाल्मीकि बस्ती में से जाता है। पहली प्राथमिकता रहेगी उस बिजली की टंकी को यहाँ पे लगवाना, ताकि बिजली की समस्या हमारी वाल्मीकि बस्ती में वार्ड नंबर 2 में ना आए। रात को भी सर काफ़ी बार बिजली कटी है, उसके लिए सर्व समाज, सर्व वाल्मीकि समाज, हम सभी बिजली बोर्ड में गए हैं, वहाँ जाके हमने कंप्लेंट की और बिजली कर्मचारियों का बहुत अच्छा सहयोग रहा सर। वो एक कहने पे ही हमारे साथ आए और जो भी समस्या थी उसका निवारण किया और बिजली ठीक करी उन्होंने। जीतने सर इतना बड़ा तो मैं हूँ नहीं कि मैं वादा करूँ या मैं कोई हाँ जी, मेरी जो पहली प्राथमिकताएं रहेंगी वो बिजली की टंकी है, और दूसरी जो भी एक पार्षद के अनुकूल, जो भी एक पार्षद के रूप में कार्यशैली होती है, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, शीवर हो, रोड हो, लाइटें हो, या किसी भी विडो की कोई पेंशन रुक रही हो, या किसी का भी बीपीएल परिवार का कोई कार्ड हो, यानी कि जो एक पार्षद के दायरे में चीज़ें आती हैं, जो एक पार्षद को करानी चाहिए, वो मैं सभी कराऊंगा। सर्वप्रथम एक जो मैंने फिर मैं अभी दोबारा आपको मैं बोल रहा हूँ, बिजली की टंकी, और हमारे यहाँ पे सीवर लाइन आ चुकी है। आप खुद सर्वे करना, भी देखना कि सीवर लाइनें बिछ चुकी हैं वाल्मीकि बस्ती में, लेकिन अभी तक उन्हें चालू नहीं किया गया है। उसके बावजूद भी हमारे बिल आए हैं। उन बिलों को लेकर मैं आप सबका सहयोग चाहूँगा कि आप हमारी आवाज़ बने, मैं वाल्मीकि समाज की आवाज़ बन के उन बिलों के लिए जो भी उसका सोल्यूशन होगा वो मैं करवाना चाहूँगा। वार्ड नंबर 2 से सर 4 प्रत्याशी हैं कुल मिला के, जिसमें एक आपका मनीष कुमार वाल्मीकि हैं, एक पुष्प कुमार जी हैं, एक पुनीत जी हैं और एक रेणु जी हैं। 4 प्रत्याशी हैं सर वार्ड नंबर 2 से। मुकाबला तो सर किससे, मैं ये बात तो कहना ठीक है नहीं कि अभी मेरा मुकाबला किससे होगा। हाँ, ये है कि रिजल्ट बताएगा, चुनाव बताएंगे। सभी अपनी मेहनत कर रहे हैं, चाहे वो पुष्प कुमार जी हों, पुनीत जी हों, रेणु जी हों, तो रिजल्ट आएगा जब मैं आपसे खुद इस चीज़ के लिए आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि भी आप लोग आएंगे तो बताएंगे। कितने वोटर हैं सर वार्ड नंबर 2 में, जो अभी लिस्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास जो लिस्ट आई है, क्योंकि उसमें कुछ वोट बाहर की भी आई हैं, कुछ किसी और वार्ड की आई हैं, कुछ गाँव की आई हैं, कुल मिला के 771 वोट हैं।
सीन था सर? मेरा चुनाव सिंबल है साइकिल का है और तीसरे नंबर का बटन है। तो मैं सभी वार्ड वासियों से, वाल्मीकि समाज से, सैनी समाज से, खटीक समाज से, एससी कम्युनिटी से, ओबीसी से, जनरल से, जो भी कम्युनिटी हो, सबसे मैं ये हाथ जोड़ के गुजारिश करूँगा, बहुत मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई आने वाली 19 जून को साइकिल का बटन दबाकर जो कि तीसरे नंबर पे हैं, अपने समाज को, अपने वार्ड को विजयी बनाएं, अपने बेटे को, अपने भाई को, मनीष वाल्मीकि को विजयी बनाएं। और जो भी मेरी कार्यशैली में कार्य होगा, जो मुझे करना चाहिए वो मैं करूँगा, और किसी भी कारणवश मुझे अगर सबकी मदद चाहिए तो मैं आपकी कार्यशैली, आपके मार्गदर्शन से ही और आगे कार्य करूंगा, क्योंकि आप सभी के पूरे वार्ड वासियों के मार्गदर्शन के बिना कोई भी कार्य मैं नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे सभी का साथ चाहिए, सहयोग चाहिए।